going to tell you about the introduction of Time9 Tracks for video and audio in CyberLink PowerDirector. PowerDirector में आपको Time9 पे कैसे audio video को arrange करते हैं, कैसे tracks को add करते हैं, कैसे move करते हैं, कैसे उसको delete करते हैं, कैसे उसमें marker लगाते हैं, ये सारी चीजें हम आज बताने वाले हैं. Mainly Time9 ही प्लेस होता है जहाँ पे सारा काम पावर डायरेक्टर में होता है, जिसमें वीडियो, फोटो, म्यूजिक और इफेक्ट हम लोग डालते हैं. टाइमलाइन के पोजीशन को हम टाइमलाइन ट्रैक कहते हैं, जो 6 तरह के होते हैं. एडिटिंग ट्रैक, जिसमें 2 ट्रैक्स होते हैं, वीडियो और ऑडियो. इफेक्ट ट्रैक, टाइटल ट्रैक, वॉइस ट्रैक और म्यूजिक ट्रैक. लेकिन जब हम कोई ट्रैक ऐड करते हैं तो उसमें केवल वीडियो और ऑडियो ट्रैक यूज होता है. वीडियो और ऑडियो ट्रैक्स के ऊपर ही ये 4 ट्रैक्स ही होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, जिसमें इफेक्ट ट्रैक, टाइटल ट्रैक, वॉइस ट्रैक और म्यूजिक ट्रैक आता है, जिसमें आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं. अब ट्रैक को ऐड करने के प्लस साइन अगर आप क्लिक करते हैं तो ट्रैक ऐड हो जाता है, और अगर नहीं आता है तो टाइमलाइन पर राइट क्लिक करिए और ऐड कर लीजिए ट्रैक को, या खाली ट्रैक को आप रिमूव कर सकते हैं राइट क्लिक कर. ट्रैक्स पे आप पार्टिकल ऑब्जेक्ट, टाइटल ऑब्जेक्ट और क्लिप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जो हम आपको वीडियो के अंदर लगाकर बताएंगे, और बहुत सी क्रिएटिविटी भी डाल सकते हैं. ट्रैक को हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं ड्रैग करके, इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जो हम अभी प्रैक्टिकली आपको बताएंगे. एडिंग टाइमलाइन मार्कर. अब आप टाइमलाइन पे मार्कर लगा सकते हैं कि आपकी क्लिप ऑडियो की है, वीडियो की है, कैमरे की है, या किस तरह की क्लिप है, उसको हम छोटा सा नोट देके बता सकते हैं. 2 क्लिप्स के बीच में अगर गैप है तो सारी क्लिप्स के बीच में गैप को एक साथ हटा सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर क्लिप के बीच की गैप को हम हटा सकते हैं. क्लिप को हम इंसर्ट कर सकते हैं या ओवरराइट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्लिप को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं. आपको हमने एक वेग आइडिया दे दिया कि हम क्या करने वाले हैं आज. तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ट्रैक क्या होता है पावर डायरेक्टर में. पावर डायरेक्टर में ट्रैक जो होता है, ये टाइम लाइन है. इसमें देखिए टाइम मेंशन है, और इसमें 3 डिफॉल्ट टाइम लाइन होती है, जिसमें हम अपने मीडिया को इंसर्ट कर सकते हैं. मीडिया में आपका सारा मीडिया देकर कर सकते हैं, वीडियो केवल कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं, या साउंड कर सकते हैं. अब वीडियो का डिटेल आप देख सकते हैं, उसको आइकॉन को छोटे बड़े फॉर्मेट में देख सकते हैं, या लाइब्रेरी मेनू में घुस करके आप अपने इंफॉर्मेशन को सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे. अब हम लोग चलते हैं देखिए टाइमलाइन पे. टाइमलाइन पे हमारा ये देखिए प्लस साइन है, जब इसको हम क्लिक करते हैं तो आपका ट्रैक ऐड हो जाता है. अब ये पूछ रहा ट्रैक आपको कहाँ ऐड करना है, अब 2 करना है कि अब 1 करना है कि कहाँ करना है. हमने 2 दे दिया तो ये देखिए 2 के ऊपर एक और बन जाएगा. 3 ट्रैक्स थे, बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं, 4 हो गए. अब हमने इसी ट्रैक को क्या किया, रिमूव कर दिया. तो हम कहेंगे रिमूव एम्प्टी ट्रैक, तो ये रिमूव हो जाएगा. देखिए 4 ट्रैक्स थे, अब 3 हो गए. अब हम दूसरे ट्रैक में, हमने यहाँ पे फोटो ऐड कर रखी है, वीडियो ऐड कर रखा और म्यूजिक ऐड कर रखी है. तो आपको कैसे करते हैं ये हम आपको करके दिखाएंगे. तो सबसे पहले चलिए हम लोग फोटो को ऐड करते हैं. यहाँ पे फोटो ऐड की फोटो को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. इसमें राइट क्लिक करिएगा तो देखिए एडिट पिप डिजाइनर एडिट इमेज है. एडिट इमेज में क्रॉप इमेज, पैन और जूम, फिक्स एंड हेंस,
सेट ब्लेंडिंग मोड है। एडिट क्लिप फिक्स एनहेंस कर सकते हैं, क्लिप के एट्रीब्यूट दे सकते हैं, क्लिप को फॉर्मेट कर सकते हैं 3D, 2D और स्ट्रेच मोड। सेट ड्यूरेशन कर सकते हैं क्लिप का, क्लिप मार्क लगा सकते हैं कि किस तरह की क्लिप है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्लिप मार्क लगाते हैं, इसको कैंसिल कर दें पहले, इसको यहाँ पर ले जाएंगे। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ऐड क्लिक फॉर्मेट क्लिक एट्रीब्यूट देखा पहले। तो एट्रीब्यूट जब देखेंगे तो ये देखिए दिखा देगा कि 5.5 का एक्स पे 0.500, इस पे 0.500 है और 720 का क्लिप है, मतलब इतनी देर वो क्लिप चलेगा। अब क्लिप किस तरह का क्लिप है इसको बताने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे और क्लिप मार्कर लगा देंगे, ऐड क्लिप मार्कर। तो क्लिप मार्कर जिस कलर का आप ले लीजिएगा वो लग जाएगा। देखिए यहाँ छोटा से लग गया। अब इस क्लिप मार्कर पे आप कुछ नोट भी दे सकते हैं, अनेबल ये क्लिप मार्कर। यहां से देखिए क्लिप को रिमूव कर सकते हैं, क्लिप को रिमूव ऑल मार्कर, सेलेक्टेड क्लिप मार्कर और एडिट क्लिप मार्कर। जब यहाँ करिएगा तो यहाँ ये पूछेगा क्या है, तो हमने दे दिया फूड इसका नाम और कमेंट में दे दिया फोटो। तो हमें एक वेग आइडिया हो गया कि हमारा क्लिप किस चीज का है। तो जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए आएगा फूड और फोटो। अब हम नेक्स्ट क्लिप करते हैं जिसमें हम लोग मान लीजिए वीडियो करते हैं। तो ये वाला वीडियो ले लिया ये। अब ये वीडियो में देखिए ऑडियो भी है और वीडियो भी है। तो यहाँ पे हमारे पास फोटो पे वीडियो नहीं था, तो अब हम लोग एक साउंड भी ले आके देख लें कैसे आएगा। तो ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ले आए, लेकिन ये साउंड जो है आपकी बड़ी है। तो ट्रिम टू फिट अगर हम दे देंगे तो क्या करेगा, वो उसी के बराबर साउंड बन जाएगी। अब इस वाले इसको हम लोग ने कुछ देर के लिए डिसेबल कर दिया। हम क्लिप को एबल डिसेबल भी कर सकते हैं, लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे जब हम प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ पर साउंड भी आ गई, फोटो भी आ गई, वीडियो भी आ गया और ये हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे, राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया क्लिप मार्कर। यहाँ पे क्लिप मार्कर में जाके ऐड क्लिप मार्कर किया और यहाँ पे हमने लिख दिया लैंडस्केप और यहाँ पर दे दिया वीडियो। अब यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए इस पे जब क्लिक करिएगा तो आएगा लैंडस्केप और वीडियो। अब ये जो क्लिप आप लगाते जा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं हम लोग कि पता लगे कि कहाँ पे क्या है। अब मान लीजिए यहाँ से हमने स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट को सेव किया और चाहेंगे तो उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो फाइल किया, इंपोर्ट किया और मीडिया फोल्डर। अब ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ गया तभी आ पाएगा। मीडिया फाइल में गए, ओपन किया, कहाँ पे गया है ये नहीं पता है। तो सेव करते समय हमें देखना पड़ेगा, फिर से इसको करिए और ये देखिए जा रहा है पावर डायरेक्टर में। तो यहाँ से स्नैपशॉट को ले लेंगे हम लोग, तो साइबर लिंक पावर डायरेक्टर में डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए, इसको यहाँ पर आए
यहीं से कोई ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे फाइल, इंपोर्ट मीडिया, मीडिया फोल्डर, अब साइबर लिंक ढूंढिए, यहाँ पर आया था ना साइबर लिंक, यहाँ पर लिखेंगे साइबर लिंक, दिस पीसी में ढूंढिए आया साइबर लिंक, डॉक्यूमेंट में दिख रहा था ना, फिर से करके देखते हैं, ये आया साइबर लिंक। अब यहाँ पे पावर डायरेक्टर में गए और क्रॉप्ड पिक्चर है, प्रीव्यू कैश फाइल है, यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर है क्रॉप पिक्चर, सेलेक्ट पावर डायरेक्टर साइबर लिंक के अंदर था, सेलेक्ट फोल्डर करा, इसमें तो बहुत ढेर सारी फाइल है, इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी आ जाएगी। तो वहां से जाकर हम फोटो ले लेंगे, अभी हम लोग यहीं से ले लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तो प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी फोटो लाएंगे, इसको सेट किया यहाँ पर। अब ये पूछ रहा है इंसर्ट करना है, मूव ऑल क्लिप करना है, क्रॉस फेड करना है, रिप्लेस करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर इंसर्ट करना है मान लीजिए, तो ये वाली लेके आएंगे और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपकी इस वाले क्लिप से यहाँ वाले क्लिप पे आ गई। अब यहाँ पे ये फोटो जो आई है इसमें भी देखिए मूवी है तो, लेकिन इसमें साउंड नहीं है, फोटो है ये। तो फोटो पे हम लोग फिर म्यूजिक लगाएंगे, तो यहाँ पे गए फिर से, यहाँ पर इस पे गए और इसको ले आए, ये भी बड़ी है फाइल, तो उसको क्या कहेंगे ट्रिम टू फिट, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ से फिर से इसको रन करते हैं, ये देखिए ये तो इस बीच में से चल गया, तो यहाँ पर ये देखिए अब फोटो के साथ म्यूजिक आ गई और दूसरी फोटो के साथ म्यूजिक आ जाएगी। और यहाँ पर वीडियो आपका चल गया। तो इस तरह से हम तीन चीजें डाल लेंगे। अब इस वाले मान लीजिए जो नया हमने लिया है इसमें क्लिप डालना है, तो राइट क्लिक करेंगे, क्लिप मार्कर कर देंगे और ऐड क्लिप करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड क्लिप डाली, यहाँ पे लिखा फोटो विद इंसर्टेड फोटो, नेम डाल दिया, कमेंट यहाँ पे फोटो डाले, इंसर्ट फोटो डाला और इंसर्टेड देते यहाँ पे और ओके कर दिया। तो देखिए तीन क्लिप बन गए, पहली बनी फूड और फोटो, दूसरी बनी फोटो अब इंसर्टेड और तीसरी बनी लैंडस्केप। अब हम चाहते होंगे कि हम रिप्लेस करें या चेंज कर दें फोटो को, तो इस पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे फोटो पे आए, यहाँ से कोई दूसरी फोटो लेते हैं, ये वाली मान लीजिए लिया और यहाँ पे इसको ले आए। जब यहाँ ले आएंगे तो ये पूछेगा इंसर्ट एंड मूव वॉल ग्रुप, ओवर राइट कर दिया, तो अब देखिए उस फोटो की जगह पे दूसरी फोटो आ जाएगी। तो हम इस तरह से फोटो को चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि फोटो चेंज हो गई तो उसका क्लिप भी खत्म हो गया, तो फिर से राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देखिए क्लिप तो बनाना आपको आ गया, ड्यूरेशन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बीच में स्पेस हो गई। अब ये यहाँ पे गए, ये क्या किया आपने, एडिट क्लिप की फ्रेम, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाना है घटाना है क्या करना है, क्लिप मार्कर बनाना है कि रीजेनरेट वेव फॉर्म करना है, अगर आपको साउंड हटानी है तो म्यूट कर दीजिए, तो म्यूट करके अब की देखते हैं। अब इसमें प्ले करिए,
देखिए साउंड आपकी नहीं आएगी, तो आपका क्लिप जो होगा वो म्यूट हो जाएगा। अब इसमें हमने म्यूट नहीं किया था तो म्यूट नहीं है, यहाँ पे म्यूट किया है इसलिए तो यहाँ पे क्लिप बना सकते हैं हम लोग। क्लिप मेकर ऐड क्लिप मार्कर, यहाँ पे क्या किया म्यूट साउंड, म्यूट साउंड फोटो फोटो म्यूट साउंड। तो अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ इसकी म्यूट साउंड की ये बन गई, फोटो बनी है जो म्यूट साउंड के। तो इस तरह से आपके डिफरेंट क्लिप बनते जा रहे हैं। अब राइट क्लिक किया और हम नहीं चाहते कि हमारा क्लिप जो है वो दिखे, या एड म्यूजिक बीट मार्कर, एडिट क्लिप मार्कर, रिमूव सेलेक्टेड क्लिप मार्कर, रिमूव ऑल क्लिप मार्कर, तो आप एक पर्टिकुलर क्लिप हटा सकते हैं या सारी क्लिप हटा सकते हैं। अभी तो हमने बनाई है, अब यहाँ पे देखिए गैप आ गया है, तो इसको उठा करके आप थोड़ा सा खींच दीजिएगा तो ये गैप आपका फिल हो जाएगा, तो आपका जो गैप आया है वो हट जाएगा। रीजेनरेट वेव फॉर्म, एडिट ऑडियो, ऑडियो को ट्रिम कर सकते हैं, ऑडियो स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, तो बढ़ा घटा देंगे तो क्लिप म्यूट अगर है तो नहीं पता लगेगा, तो इसके यहाँ से ये क्लिप भी हटानी है तो रिमूव करेंगे क्लिप को, राइट क्लिक किया, क्लिप मार्कर किया और रिमूव सेलेक्टेड क्लिप कर दिया, तो ये देखिए क्लिप हट गया। अब क्लिप हट गया तो राइट क्लिक करेंगे और फिर म्यूट क्लिप नहीं करेंगे और रीजेनरेट वेव फॉर्म, एडिट ऑडियो करेंगे, ऑडियो को रिवर्स ऑडियो करा अगर तब क्या होगा, ये देखिए तो जो म्यूजिक थी वो रिवर्स हो गई। अब फिर से जाते हैं, राइट क्लिक किया और एडिट ऑडियो किया और फिर से रिवर्स किया, तो फिर अब ओरिजिनल म्यूजिक आएगी। अब फिर गए यहाँ पर, राइट क्लिक किया, एडिट ऑडियो किया, ऑडियो डॉकिंग किया, अब प्ले करेंगे। अब ऑडियो डॉकिंग में लेवल जो है बढ़ा दिया हमने, तो क्या करेगा अब इसको प्ले करिए तो उसकी बीट चेंज हो जाएगी। फिर राइट क्लिक किया हम लोग ने, एडिट ऑडियो किया, ऑडियो की स्पीड को हमने बढ़ा दिया, अब क्या करेगा, स्पीड बढ़ाया तो ये छोटा हो गया, तो इसको प्ले करके देखते हैं क्या करता है। तो आपका साउंड जो है वो स्पीड उसकी चेंज हो गई। अब इसको हमने इसके बराबर किया और फिर से इसको रन करके देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो ओरिजिनल म्यूजिक थी वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से टाइमलाइन का हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इसको ट्रायल एरर करिए और देखिए वेव फॉर्म में हो जाएगा क्लिप। की फ्रेम का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम में आप ये देखिए आया यहाँ पे, वॉल्यूम अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हमने जानबूझ के कम किया है कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो इस तरह से हम टाइमलाइन पे काम कर सकते हैं। अब आप इसने ये भी ऑन कर दीजिएगा तो कौन सा दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा, देखिए इसमें ऊपर वाली ट्रैप नहीं दिखेगी, नीचे वाली दिखेगी, ऊपर वाली ट्रैक नहीं दिखेगी। ऊपर वाली ट्रैक कब दिखेगी, जब नीचे वाली ट्रैक खत्म हो जाएगी तब। अब देखिए ये ऊपर वाली ट्रैक दिखी, ऊपर वाली ट्रैक तभी दिखेगी जब नीचे वाली ट्रैक खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप PIB या पार्टिकल इफेक्ट डाल सकते हैं, हमने ये डाला तो अब ये देखिए ये इफेक्ट आ गया। अब इसको प्ले करें,
मेरे केस में इफेक्ट आ गया। इसमें और भी इफेक्ट है, 3D कर सकते हैं आप, 2D कर सकते हैं, और शेप लगा सकते हैं, डिफरेंट शेप है इसमें। हम एक बार इसको, हमने इफेक्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज टाइमलाइन हमको पढ़ाना था जो हमने पूरा आपको बता दिया। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। अगर आपको क्लिप को ट्रिम करना है, कहीं से डिलीट करना है, तो भी वो आप कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करिए, ये देखिए एडिट क्लिप हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, एडिट की फ्रेम हो गया, प्रॉपर्टी म्यूट क्लिप, अभी लिंक और अनलिंक वीडियो कर सकते हैं, ये भी बता चुके हैं हम। तो जो पर्टिकुलर वीडियो है वो देखिए, इसका ये वीडियो अलग हो गया, ऑडियो अलग हो गया। अभी आप इसका देखिए, ऑडियो अगर हम डिलीट कर देते हैं तो केवल वीडियो बचेगा। अब इसको प्ले करिएगा तो इसमें म्यूजिक नहीं आएगा, ये ऊपर वाले से आ रहा है ना म्यूजिक, तो ऊपर वाला लॉक कर दें, ऊपर वाला नहीं दिखे, ऊपर वाला लॉक कर दिया हमने। अब आप प्ले करिएगा तो देखिए म्यूजिक नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसका म्यूजिक डिलीट कर दिया है। तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं टाइमलाइन पे, आप इसको प्रैक्टिस करिए और करिए। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हम आपको एक बार बता चुके हैं। दिस इज ऑल टू द व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। Follow my all social media links, join my telegram channel Tech Ratan. Thank you.